मधुमेह, शुगर, डायबिटीज की बीमारी से आज देश और दुनिया के करोड़ों लोग पीड़ित। बढ़ते हुए तनाव, शारीरिक श्रम के अभाव और बिगड़ती हुई जीवन शैली से हमारा पेनक्रियास कमजोर पड़ जाता है। हम नकारात्मक चिंतन जब करते हैं, गुस्सा करते हैं, नाराज होते हैं और बहुत ज़्यादा एलोपैथी की दवाई खाते हैं, उन सब के कारण से पेनक्रियास के बीटा सेल्स डीजनरेट हो जाते हैं। इसी का नाम है डायबिटीज। आज के लिए जेनेटिक भी बहुत हो रही है। जो बच्चे बचपन में ही बुखार की, पेट के कीड़ों की या टाइफाइड आदि की तेज़ दवाइयाँ खाते हैं, उनको ये बीमारी बचपन में हो जाती है। अथवा जो माँ गर्भावस्था में एलोपैथी की तेज़ दवाइयाँ खाती है, उससे गर्भ से ही बच्चों को डायबिटीज हो जाती है। ये बहुत ही खतरनाक है। और डायबिटीज़ के साथ साथ डायबिटीज़ के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो और भी ज़्यादा क्रिटिकल हैं। डायबिटीज के कारण से करीब 2% लोग तो हमेशा के लिए अंधे हो जाते हैं। करीब 35 से 40% लोगों की किडनी फेल हो जाती है और करीब 80% लोगों को आंखों की कोई ना कोई बीमारी होती है। डायबिटीज़ के कारण से न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम्स और डायबिटीज़ के कारण से गैंग्रीन की प्रॉब्लम भी बहुत लोगों को होती है। और डायबिटीज़ के कारण से व्यक्ति को सेक्स डिसऑर्डर्स भी होते हैं, शरीर कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए डायबिटीज़ का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। शुगर बढ़ने से आप ऐसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि इससे क्या दिक्कत है, मैंने शुगर खाई तो मेरे ग्लूकोज में शुगर की मात्रा बढ़ गई, लेकिन उससे आपकी आंखें खराब हो सकती हैं, आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से बचना बहुत ज़रूरी है। यदि आप थोड़ा शारीरिक मेहनत करते हैं, हर दिन 8 प्राणायामों के साथ साथ आप 12 आसन, योगिक जोगिंग के 12 पोज, सूर्य नमस्कार के 12 पोज, अथवा तेज घूमना और कोई भी आप जोगिंग करते हैं, कोई खेल खेलते हैं, ये सब आपको डायबिटीज से बचाता है। डायबिटीज होने के बाद उसको नियंत्रित करने के लिए यदि आप योग का आश्रय लेते हैं, ये आपके लिए दो दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक तो डायबिटीज आपकी ठीक होगी, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से आप बचेंगे। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए कपालभाति और मंडूकासन दोनों ही बहुत ही उपयोगी हैं। कपालभाति डायबिटीज़ के रोगियों को 15 से 20 मिनट रोज अवश्य ही करना चाहिए। इससे पेनक्रियास के बीटा सेल्स रीएक्टिवेट होंगे, रीजनरेट होंगे और डीजनरेट हुए पेनक्रियास के सेल्स भी आधा आधा घंटा कपाल भाती प्राणायाम के करने से रीजनरेट हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम भी बहुत ज़रूरी है। और कपाल भाती 15 से 20 मिनट और अनुलोम विलोम यदि 10-15 मिनट भी किया जाए तो डायबिटीज़ के रोगों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और कपाल भाती अनुलोम विलोम के साथ साथ मंडूकासन डायबिटीज़ के रोगी 3 से 5 बार करें, ये उनकी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मयूरासन आदि और योग मुद्रासन आदि अन्य आसनों का अभ्यास भी डायबिटीज़ के रोगी करें तो उनको प्राकृतिक रूप से एक अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा और उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगी। डायबिटीज़ के रोगियों के लिए ज़रूरी है कि जो ज़्यादा मीठे फल हैं वो ना खाएँ। हाँ, पपीता थोड़ा खा सकते हैं, सेब थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं और जामुन और अमरूद आदि फल भी ले सकते हैं। जो खट्टे फल हैं वो थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं। शरबत डायबिटीज़ के रोगियों को नहीं पीना चाहिए। और शुगर में भी जो है, जो स्वीट जो है एकदम से जाकर के नहीं घुलता। जैसे आपने मुनक्का लिया, आपने खजूर खाया, अंजीर खाया, उस वो धीरे धीरे जाकर के आपकी बॉडी में घुलता है, इसलिए वो ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। माने जो मीठा तुरंत जाकर के आपके शरीर में घुल जाता है उसके सेवन से आपको बचना चाहिए। शुगर खाने से डायबिटीज़ नहीं होती है, पेनक्रियास के डिजनरेट होने से डायबिटीज़ होती है, लेकिन शुगर होने के बाद शुगर की वाली चीज़ें ज़्यादा खाने से आपको शुगर बढ़ जाती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। निश्चिंतता के साथ जीवन को जिए, हमेशा खुश रहें, पॉजिटिव सोचें और शारीरिक श्रम किसी न किसी रूप में ज़रूर किया करें। पैदल थोड़ा चला करें और कुछ भी आपको नहीं आता है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए प्रकृति आपकी बहुत मदद करती है। आप
मधुनाशिनी का सेवन कर सकते हैं, दो दो गोली खाली पेट सुबह शाम मधुनाशिनी का सेवन करें। खीरा करेला टमाटर का जूस बना करके पिए, एक खीरा एक करेला एक टमाटर, और इसको जो है मिक्सी में डाल करके अथवा जूसर से इनका जूस निकालें और एक एक कप या एक 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 गिलास आप सुबह शाम इसको पी सकते हैं। इसमें सात फूल सदाबहार के सात पत्ते नीम के भी आप डाल सकते हैं। डायबिटीज़ के लिए मेथी का पानी भी बड़ा उपयोगी होता है, अंकुरित मेथी दाने भी आप ले सकते हैं। डायबिटीज़ के लिए जामुन का सेवन और जामुन की गुठली का पाउडर का सेवन भी उपयुक्त होता है। जामुन की गुठली गिलोय और चिरायता अथवा कालमेघ का पाउडर भी ऐसे खा सकते हैं आप, बराबर मात्रा में लेकर के पाउडर एक एक चम्मच सुबह शाम खा लिया। गिलोय भी उपयुक्त है, चिरायता भी या कालमेघ उसके अभाव में बहुत उपयुक्त है, और जामुन की गुठली का पाउडर भी एक एक चम्मच सुबह शाम डायबिटीज़ के रोगी खाएं तो उनको बहुत लाभ होगा। गिलोय को रात को भिगो करके अथवा कालमेघ अथवा चिरायता को रात को भिगो करके उसको सुबह पानी ही पीते हैं, उससे भी डायबिटीज़ कंट्रोल होती है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक्यूप्रेशर भी बहुत मदद करता है। ये बाएं हाथ की हथेली में छोटी उंगली के नीचे जो बड़ी रेखा है उसके नीचे यहाँ ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट दबाने से आपका पैनक्रियाज एक्टिवेट होगा और इससे आप शुगर की बीमारी से बच सकेंगे। डायबिटीज़ की बीमारी को नियंत्रित करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कम से कम 6 घंटा की निद्रा जरूर लें। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 6 घंटा की निद्रा बहुत ज़रूरी होती है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए योग, आयुर्वेद, स्वस्थ जीवन पद्धति और प्रकृति में जो भगवान ने जड़ी बूटियाँ हमें वरदान के रूप में दी हैं और ऋषियों ने उनके बारे में जो हमें ज्ञान दिया है उसका यदि हम सही उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं। उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, हाई बीपी की बीमारी, जैसे जैसे तनाव बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे आगे निकलने की दौड़ और इस आगे निकलने की होड़ में व्यक्ति होश खो बैठता है, तनावग्रस्त हो जाता है, साथ ही खाने पीने पर नियंत्रण नहीं रख पाता, खराब जीवन शैली और तनावयुक्त जीवन शैली, शारीरिक श्रम का अभाव, इन सब के कारण से हाइपरटेंशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये सभी बीमारियां जेनेटिक भी होती हैं, लेकिन यदि आप नियमित रूप से भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जायी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव, इन 8 प्राणायामों का अभ्यास करते हैं तो आपको कभी भी जीवन में हाइपरटेंशन नहीं होगा। और यदि आपको हाइपरटेंशन हो चुका है तो आप इसको परमानेंट क्योर कर सकते हैं। मेडिकल साइंस में कहा जाता है कि एक बार यदि आपको हाइपरटेंशन हो गया तो जिंदगी भर आपको गोलियां खानी पड़ेंगी, लेकिन यदि आप भस्त्रिका प्राणायाम धीरे धीरे, कपालभाति प्राणायाम भी धीरे धीरे रोज करते हैं, कपालभाति प्राणायाम यदि आप जोर से करते हैं तो आपका बीपी शूट अप कर जाता है, इसलिए कपालभाति प्राणायाम धीरे धीरे आपको करना होगा, अनुलोम विलोम प्राणायाम ये भी धीरे धीरे करें, कपालभाति प्राणायाम में धीरे धीरे स्ट्रोक लगाना, अनुलोम विलोम प्राणायाम भी धीरे धीरे करना, भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम ये बहुत जरूरी है हाइपरटेंशन के लिए और स्ट्रेस को भी कम करने के लिए। तो आपको यदि हाइपरटेंशन है, नियमित रूप से आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, हाइपरटेंशन क्योर हो जाएगा। आपको जिंदगी में हाई बीपी के लिए फिर दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी, किसी की 7 दिन में, किसी की 15 दिन में, किसी की 1 महीने में हाइपरटेंशन की दवाइयां छूट जाती हैं। इसमें लौकी का जूस बहुत ही लाभकारी होता है, बस लौकी का जूस कड़वा नहीं होना चाहिए, आप उसमें आंवले का रस भी मिला के पी सकते हैं, तुलसी पुदीने का भी थोड़ा रस मिला सकते हैं, तो आप उसमें
नींबू का रस भी मिला सकते हैं तो उससे थोड़ा टेस्टी हो जाता है। कड़वी लौकी पीने से आपको उल्टी और खूनी दस्त और भी जो है बहुत भयंकर दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन यदि आप लौकी का जूस पीते हैं तो जो कड़वी नहीं हो ऐसे लौकी का जूस आपको हाइपरटेंशन को से बचाता है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल को यह घटाता है, मोटापे को कम करता है और पेट को साफ रखता है, आपकी स्किन को अच्छा बनाता है, बहुत लाभकारी। तो हाइपरटेंशन के लिए लौकी का जूस आप सुबह शाम 200-250 ml पी सकते हैं, एक समय भी पी सकते हैं। जिनको सर्दी की प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द है, वो लौकी का जूस ठंडा होता है इसलिए वो सूप बना करके पी सकते हैं। और मुक्तावटी ये जबरदस्त है, इसमें किसी भी तरह का कोई मेटल नहीं होता है, ये विशुद्ध रूप से जड़ी बूटियों से बनी हुई एक औषधि है। दो दो गोली सुबह शाम मुक्तावटी का सेवन करने से, मुक्तावटी चबा करके खा ले, बीपी क्योर हो जाता है। और ये रिंग फिंगर के टॉप पर एक एक मिनट दबा लीजिए, इससे भी आपको हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में पूरी मदद मिलेगी। हाइपरटेंशन के लिए, उच्च रक्तचाप के लिए यह रिंग फिंगर के ऊपर टॉप पर ऐसे दबाना, यह एक्यूप्रेशर की विधि बहुत लाभ करती है। और हमने देखा है ऐसे ये पॉइंट दबाने से तुरंत बीपी कंट्रोल में आ जाता है। हम प्राणायाम करके, मुक्तावटी का सेवन करके, एक्यूप्रेशर का पॉइंट दबा करके और लौकी का जूस पी करके खाली बीपी को ही कंट्रोल नहीं करते, बीपी के कॉम्प्लिकेशन से भी बच जाते हैं। बीपी के कारण से करीब 25% लोगों को हार्ट अटैक होता है, अर्थात हार्ट अटैक से जिन लोगों की मौत हो रही है उसमें 25% मौत हाइपरटेंशन से होती है। बीपी के कारण से आँखों की पुतलियों में, रेटिना में, कॉर्निया में भी प्रॉब्लम आ जाती है और बीपी के कारण से किडनी फेलियर की भी प्रॉब्लम होती है। बीपी के कारण से हमारी जो नसनाड़ियाँ हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, न्यूरो प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। तो योगाभ्यास से, प्राकृतिक जीवन शैली को अपना करके, आयुर्वेद की जड़ी बूटियों का सेवन करके आप हाइपरटेंशन, बीपी, उच्च रक्तचाप और उसके हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशन से अपने आप की रक्षा कर सकते हैं और बीपी को आप कंट्रोल ही नहीं, क्योर कर सकते हैं। निम्न रक्तचाप, लो बीपी, इससे भी बहुत लोग पीड़ित हैं। लो बीपी की प्रॉब्लम माताओं बहनों में, लेडीज में ज्यादा देखने को मिलती है, पुरुषों को भी कई बार हो जाती है। नाड़ी तंत्र के कमजोर होने से, इम्यून सिस्टम वीक होने से, हीमोग्लोबिन की कमी से और भी दूसरे बहुत से कारण हैं, किसी को जेनेटिकली भी होता है। मन जिनका बहुत कमज़ोर होता है उनको भी ये निम्न रक्तचाप की बीमारी हो जाती है। निम्न रक्तचाप से बचने के लिए एक तो नियमित रूप से योगाभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा जिनको 40-40, 50-50 वर्षों से लो बीपी था, उन्होंने 8 प्राणायामों का जो पूरा पैकेज है, 12 आसन, 12 योगिक जोगिंग के पोज, सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दिया और 40-40, 50-50 साल पुराना लो बीपी का रोग ठीक हो गया। बीपी के रोगियों के लिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, प्राणायाम तो उपयुक्त है ही, इसमें सूर्य भेदी प्राणायाम भी किया जा सकता है। बायां हमारा चंद्र स्वर है, दाहिना सूर्य स्वर है। सूर्य नाड़ी से लंबा श्वास भीतर गहरा भर के थोड़ी देर रोक करके रखे और यथाशक्ति रोकने के बाद बाएं से छोड़ दे। इसी तरह से बार बार दाहिने नाक से श्वास को भरना, साउंडलेस ब्रीदिंग, ध्वनि रहित प्राण की गति, और श्वास को अंदर भरने के बाद फिर दाएं नाक को बंद करके फिर यथाशक्ति रोकने के बाद बाएं नाक से छोड़ देना। तो ये सूर्य भेदी प्राणायाम भी निम्न रक्तचाप, लो बीपी के रोगियों के लिए बहुत ही जरूरी है। और सारी नसनाड़ियां स्वस्थ हो जाती हैं यदि हम 2 मिनट ताली बजा लेते हैं। ये ताली बजाना, ये सभी एक्यूप्रेशर के पॉइंट इसमें दब जाते हैं। और हंसना खुल करके, इससे आप तनाव मुक्त हो जाते हैं। ये तो सभी रोगों के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है।
हास्य योग, और ये सारे नाड़ी तंत्र को अच्छा करने के लिए, सारे नाड़ी तंत्र को अच्छा करने के लिए 1 से 2 मिनट ऐसे रोज ताली भी आप बजाते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन सत्संग करते हैं, वह भी आपके लिए उपयुक्त है। जिनको निम्न रक्तचाप है उनके लिए अश्वगंधा रिष्ट का सेवन बहुत लाभप्रद होता है, लेकिन डायबिटीज है तो आप अश्वगंधा रिष्ट ना पिए क्योंकि वो मीठा होता है। अश्वगंधा का आप कैप्सूल ले सकते हैं, आप शिलाजीत सत भी ले सकते हैं, शिलाजीत कैप्सूल भी ले सकते हैं, और शिलाजीत की गोली भी खा सकते हैं, शिलाजीत रसायन। जिनको निम्न रक्तचाप है वे अश्वशिरा कैप्सूल भी एक एक या दो दो सुबह शाम ले सकते हैं। आहार में जैसे गाजर है, जैसे सेब का सेवन है, पालक है, बथुआ है, मुनक्का है, अंजीर है, खजूर है, ये निम्न रक्तचाप को ठीक करने में आपकी मदद करते हैं। वैसे खजूर, अश्वगंधा और केला ये वजन बढ़ाने का भी काम करते हैं। जो अंडरवेट हों, जिनको लो बीपी है और वजन भी कम है, वे अश्वगंधा और शिलाजीत साथ साथ में खजूर इनका सेवन नियमित रूप से करें तो उनको ये लो बीपी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, हीमोग्लोबिन भी साथ में बढ़ जाएगा। वैसे कपालभाति करने से हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है, तो यदि आपको उच्च रक्तचाप है तो आपको कपालभाति धीरे धीरे करना पड़ेगा, लेकिन यदि आपको निम्न रक्तचाप है तो आप गतिपूर्वक भी शक्तिपूर्वक भी आप ये कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। इस तरह से थोड़ा तेजी से भी आप कपालभाति कर सकते हैं, उससे तो एकदम बीपी आपका नॉर्मल आ जाता है। ऐसे भी मैंने देखा है जब बीपी एकदम डाउन चला जाता है उस व्यक्ति को अनुलोम विलोम प्राणायाम करा दीजिए, वो एकदम बीपी को नियंत्रित कर देता है, ना ज्यादा रहेगा न कम रहेगा, तो बीपी अनुलोम विलोम प्राणायाम से एकदम कंट्रोल होता है, चाहे हाई हो चाहे लो हो। यह भी बहुत ही जरूरी प्राणायाम है निम्न रक्तचाप के रोगियों के लिए। निम्न रक्तचाप के रोगियों को जब बीपी बहुत डाउन चला जाता है तो पानी के अंदर मीठा घोल करके थोड़ा नमक डाल करके और नींबू भी डाल सकते हैं, पिला देते हैं तो एकदम से बीपी नॉर्मल आ जाता है। कई बार जब बहुत ज़्यादा बीपी लो हो जाए तो उससे आदमी बेहोशी की अवस्था में अथवा कोमा में भी जा सकता है। इसलिए निम्न रक्त चाप जिनको भी है वे थोड़ा चीनी और थोड़ा नमक वो अपने जेब में रखें, जब कभी ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो पानी में घोल करके पी लें, उससे उनको तात्कालिक लाभ मिल जाएगा। लेकिन निम्न रक्तचाप को, लो बीपी को आप परमानेंट क्योर करना चाहते हैं तो योग और आयुर्वेद की शरण में आना ही पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल से आज पूरी दुनिया भयभीत है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा हार्ट अटैक हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो आदमी मर जाएगा। और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए इतने यत्न करते हैं फिर भी वो कंट्रोल नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए एलोपैथी की जो गोलियां खा दी जाती हैं उससे लीवर और डैमेज हो जाता है, उसके भयंकर कॉम्प्लिकेशंस, बहुत जबरदस्त उसके साइड इफेक्ट्स हैं। कोलेस्ट्रॉल इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि एक तो शारीरिक श्रम बहुत कम हो गया है, दूसरा लोग तले भुने पदार्थ बहुत ज़्यादा खाते हैं, फ्राइड चीज़ें बहुत खाते हैं, गरिष्ठ आहार बहुत करते हैं। जो किसान हैं, मजदूर हैं, कारीगर हैं, मेहनत कश लोग हैं, उनको कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता ही नहीं है, उनका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है, ट्रायग्लिसराइड कंट्रोल रहता है, उनका LDL VLDL सब कुछ ठीक रहता है, HDL उनका बढ़ा हुआ होता है, जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है और जो है वो खून को जमने नहीं देता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ करके कहीं जम जाता है। लेकिन यदि HDL आपका हाई है तो आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि देखा गया है कि जिन लोगों का 60 या उससे ज़्यादा HDL रहता है उनका कोलेस्ट्रॉल 400-500-700 भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जैसे जैसे मांसाहार बढ़ता जा रहा है, तली हुई चीज़ें हम ज़्यादा खाते जा रहे हैं, घरिष्ठ भोजन ज़्यादा करते जा रहे हैं, ट्रांस फैट
एक तो गाय के दूध में, गाय के घी में जो है ये जो ट्रांसफैट है इसकी मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन जो भैंस का दूध है और खास करके ये जो आज रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं और इसमें भी जो पाम ऑयल और कई तरह के ऐसे खराब खराब तेल हम खाते हैं, और देसी घी तो, और उसमें भी गाय का हो तो सबसे अच्छा है, लेकिन ये जो आजकल वनस्पति घी जो तेल को जो है गैस के द्वारा उसको क्रिस्टलाइज करते हैं उसका, और उसमें कई तरह के केमिकल्स डालते हैं, वो तो बहुत ही डेंजरस होता है, वो तो कभी नहीं खाना चाहिए, किसी को भी नहीं खाना चाहिए। तो इससे जो है ट्रांसफैट जो हमारे खाने में कई रूपों में अंदर जा रहा है, खास करके जो तले हुए पदार्थ उनमें तो ट्रांसफैट बहुत बड़ी मात्रा में होता है, और ये ट्रांसफैट कोलेस्ट्रोल को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या हार्ट अटैक करता है। ये ट्रांसफैट तो हमारी बॉडी में बहुत ही कम जाना चाहिए, इसकी मात्रा होनी चाहिए 1-1.5-2% बस, लेकिन जो हम तेल और घी आदि और जो भी चीज़ें तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, जो पैक्ड फूड खा रहे हैं, डब्बा बंद जो भोजन कर रहे हैं, उसमें तो ट्रांसफैट जो है 10-20 से लेकर के 30-40% तक हो जाता है, जो बहुत ही डेंजरस होता है। तो हमारे देश के लोगों को ऐसे भी फूड एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन बहुत कम होता है, इसकी कारण से कोलेस्ट्रॉल लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या करें कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए, एक तो आप मिला जुला अनाज खाया करें। हमने देखा, हमने गेहूं, सोयाबीन, चना, ज्वार, बाजरा, मकई, चौलाई, जो सिंघाड़ा, इन 9 अनाजों को मिला करके एक आटा बनाया, नवरत्न आटे के नाम से हम उपलब्ध कराते हैं। फिर एक दलिया बनाया जिसको हम आरोग्य दलिया कहते हैं, गेहूं, बाजरा और चावल, मूंग 500-500 ग्राम लेकर के, 20 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम सफ़ेद तिल मिला दिया, ये दलिया बनाया। ये कोलेस्ट्रोल के लिए, हाई कोलेस्ट्रोल के लिए, डायबिटीज़ के लिए, मोटापा के लिए, खून की कमी को दूर करने के लिए और कैल्शियम के लिए, ये आटा और दलिया जो आपको हमने बताया, ये ज़बरदस्त लाभ करता है। इसका सेवन इन 5 रोगों की रोगियों को भी करना चाहिए, और जो सदा निरोग जीवन जीना चाहते हैं उनको भी करना चाहिए। पहले हमारे यहाँ पर कैल्शियम के लिए, आयरन के लिए, विटामिन्स के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए कोई दवाई नहीं खाते थे, मिला जुला खाते थे, मिलजुल के रहते थे। मिला जुला खाने से शरीर में कोई कमी नहीं होती थी, मिलजुल के रहते थे तो तनाव नहीं होता था, समाज में सब राजी खुशी से सद्भावना के साथ जीवन को जिया करते थे। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हमें आहार पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। सुबह सुबह उठ करके गर्म पानी पिए, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करेगा, मोटापा भी को नियंत्रित करेगा, और आपका पेट बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए गर्म पानी पिया करें। जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ा हुआ है वे मेदोहर बटी का भी सेवन कर सकते हैं। मेदोहर बटी, त्रिफला गुग्गुल, ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं और मोटापा को भी कंट्रोल करते हैं। किसी किसी का जो है शरीर बहुत मोटा नहीं होता, ओबेस की नहीं होते, मोटापा उनमें नहीं होता, लेकिन ट्रांसफैट और दूसरी चीज़ें जाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो कपालभाति प्राणायाम ज़बरदस्त लाभ करता है, 15-20 मिनट से लेकर के, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ तो आधा घंटे तक कर सकते हैं। कपालभाति के साथ साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कोलेस्ट्रॉल के रोगियों को करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम तो जरूर करना चाहिए जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, इससे लीवर भी अच्छा होगा और कोलेस्ट्रॉल तो तुरंत कंट्रोल होगा। एक खास बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के साथ साथ बहुत जरूरी है, कोलेस्ट्रॉल के जो बढ़ने से जो कॉम्प्लिकेशंस हमारे शरीर में आते हैं, हार्ट अटैक होता है और ब्रेन हेमरेज होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो है ये कपालभाति बड़ी भूमिका निभाता है। कपालभाति के साथ साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कोलेस्ट्रॉल के रोगियों को करना चाहिए, और अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ साथ लौकी का जूस ये सबसे अच्छा होता है, तो लौकी का जूस पीने से भी कोलेस्ट्रॉल एकदम कंट्रोल रहता है। हमने अपने शिविरों में देखा, शिविर करने के पहले और शिविर करने के 6 से 7 दिन के बाद, कभी पहले हम 9 दिन के भी शिविर किया करते थे, तो शिविर करने के 5, 7 या 9 दिन के बाद हमने लोगों का देखा कि कोलेस्ट्रॉल 50 से लेकर के 100-150-200 पॉइंट तक कम हो जाता है। तो एक सप्ताह के अंदर ही आप अपना कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं प्राणायाम की प्रैक्टिस करके। तो भस्त्रिका कपालभाति बाह्य प्राणायाम उज्जयिनी भ्रामरी उद्गीत प्रणव प्राणायामों का नियमित रूप से अभ्यास कीजिए, आपका कोलेस्ट्रॉल 100% कंट्रोल में रहेगा। अपने आहार पर थोड़ा नियंत्रण कीजिए, सुबह उठ करके गर्म पानी पीजिए। किसी किसी को जेनेटिकली भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, वह भी प्राणायाम के द्वारा, लौकी के जूस के द्वारा 100% कंट्रोल में आ जाता है, और आप कोलेस्ट्रॉल को तो कंट्रोल कर ही पाएंगे परमानेंट, साथ ही कोलेस्ट्रॉल
कोलेस्ट्रॉल के कारण से जो आपके सिर में कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं उनसे आप बच जाएंगे, और एलोपैथी की दवाओं से आपको ज़िंदगी भर के लिए छुटकारा मिल जाएगा, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करते करते आपका लीवर ठप हो जाएगा एलोपैथी की दवाओं से।